लेंस डाउन जाए और बजरंगबली के दर्शन ना करके जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जय बजरंगबली। दिस इज ब्यूटिफुल लेंस डाउन। लेंस डाउन भी अनछुआ इसीलिए है क्योंकि ये लेंस डाउन का कोर एरिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। आप समझ गए होंगे लोकेशन देखकर, व्यू देखकर कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। हाँ जी, हम कोटद्वार में सिद्धबली टेंपल में अभी दर्शन करके बस हम आए हैं और सामने हमारे ये कॉर्बेट का रिसेप्शन है जहाँ से हम सफारी बुक करते हैं। और जैसा कि दोनों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं और डिमांड है अब नाइट आउट के लिए, तो हम आज जा रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पर, लेंस डाउन की तरफ ही। आपको दिखाते हैं किस तरह की डिफरेंट डेस्टिनेशन है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। और देखिए इतना खूबसूरत नज़ारा, ऊपर से बहता हुआ झरना कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और ये पूरी नदी खो नदी है। बरसात के समय इस नदी में क्योंकि बहुत पानी हो जाता है, बहुत सुंदर लगती है। और मुझे लगता है कि दिल्ली NCR और इवन ऋषिकेश के पास अगर एक हिल स्टेशन हम कह सकते हैं तो लेंस डाउन को हम कह सकते हैं, जो जहाँ पर आपको भीड़ भाड़ कम मिलती है। हालांकि हिल स्टेशन तो मसूरी भी है पर वहाँ क्योंकि रश बहुत ज़्यादा रहता है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। पूरे रास्ते हम नदी के साथ साथ चलते रहते हैं। वाओ, देखिए क्या सुंदर नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। और ठंडी ठंडी हवा लग रही है क्योंकि हम पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। और ये लगभग 100 किलोमीटर हम लोग हरिद्वार से आगे की तरफ आए हैं, लेंस डाउन की तरफ। और यहाँ से 6 किलोमीटर लेंस डाउन अभी आगे है। तो हम पहुँचे हैं समस्कारा एंड समसारा होम स्टेज ग्रोइंग इन वर्ड सतीजा एस्टेट। और सबसे यहाँ पर एक अलग चीज़ मुझे दिखी है जो लिखा हुआ है, ओल्डेस्ट बार इन टाउन। मेन रोड से एक छोटा सा रोड ये ऊपर की तरफ आ रहा है और यहीं से हमें गाड़ी लेकर आनी है ऊपर पार्किंग तक। सनरूफ का मुझे सिर्फ यूज़ ऐसे वेदर में लगता है। और ये गाड़ी आपकी पार्किंग तक जाती है। सामने ही बस रिजॉर्ट है। एंट्रेंस पे ही इतने सुंदर फूल, पूरा छोटा सा ये गार्डन है और बहुत सुंदर ये प्लांट्स लगाए हुए हैं इन्होंने। तो हम अपनी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं एंड दिस इज रिसेप्शन। और आते ही हमें सबसे पहले इसके साथ हमें वेलकम ड्रिंक्स भी मिली है। इसका नाम क्या है? लुशियान। ओह, इतने प्यारे फूलों के साथ साथ हमें कुछ फल भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए अमरूद, अभी छोटे हैं इसलिए हम तोड़ेंगे नहीं। इतना सुंदर वेल, दूर से देखने पर मुझे लग रहा था टिया ये वेल है लेकिन ये पॉन्ड है। और देखिए क्योंकि फिशेस भी मुझे दिख गई हैं, यहाँ बहुत सारी है ना। और जस्ट इस पॉन्ड के साथ ही हम आएंगे यहाँ पर, तो रेस्टोरेंट के साथ में ही आपको मिलता है सिटिंग एरिया, ब्यूटीफुल गार्डन। अमरूद तो है ही, साथ में देखो पूरा पेड़ भरा हुआ है। यहाँ पर आपको मौसमी भी मिलेंगी। सो बेसिकली मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ जितना मैं जानती हूँ। ये एक पहले होम स्टे था, समस्कारा एंड समसारा। नाम बहुत यूनिक सा है और नाम के पीछे क्या कहानी है वो हम इनसे बाद में जानेंगे। लेकिन ये जो पीछे एरिया देख रहे हैं आप, ये पूरा होम स्टे ही था पहले। और ये 6-6.5 साल इस प्रॉपर्टी को हुए हैं। 1.5 साल पहले इन्होंने ये जो कॉटेजेस आपको दिख रहे हैं ये एड ऑन किए हैं, जिन्हें ये ग्लैम्स कहते हैं। इनकी क्या खासियत है वो हम आपको दिखाते हैं। अभी एक आपको रिजॉर्ट वाला फील यहाँ पर मिलेगा। बीच में देखिए बॉनफायर की जगह है। आई एम श्योर इवनिंग में यहाँ पर बॉनफायर होता होगा, तो जब होगा हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन मैं क्यूरियस हूँ क्योंकि जिस तरह से इन्होंने ये जो कॉटेजेस बनाए हुए हैं बहुत अच्छे हैं। मेरा खुद का मैं कैंप्स में रहना पसंद नहीं करती हूँ, आप सबको भी बोलती हूँ, लेकिन अगर इस तरह के हों तो मैं ज़रूर रहना चाहूँगी। फ्रंट में ही हमें बहुत कम्फर्टेबल यहाँ पर चेयर्स मिल रही हैं और ग्रीनरी तो अल्टीमेट आपको हर जगह मिल ही रही है। प्लीज़ वेलकम। टिया थक चुकी है, सो गई है और विदित जो कभी नहीं थकता है वो बाहर बर्ड्स का वेट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी इवनिंग में हमें बताया बहुत सारे बर्ड्स आने वाले हैं।
यहाँ पर देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कैंप्स में रहना, मतलब हम इस तरह के कैंप्स में इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि यहाँ आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। सबसे अच्छी चीज़ देखिए, यहाँ से आपको जो व्यू मिलता है इस डेक से, इन्होंने ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ आप जैसे ही कैंप से बाहर आते हैं, यहाँ आपको पूरा डेक मिलता है और जो डेक से व्यू है वो बहुत अल्टीमेट है। और विदित को कैसा लग रहा है? विदित अच्छा। विदित को अच्छा लग रहा है। अलग से सिटिंग के लिए आपको देखिए सोफ़ा मिल रहा है, टेबल मिल रही है, यहाँ पर आपको सारी एमिनिटीज़ मिल रही हैं, टी कैटल इवन, बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए तो। और वार्डरोब में भी जिस तरह से हमने अपना पूरा सामान फिट कर दिया है, काफ़ी जगह है, आप रख सकते हैं। साथ ही अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम में भी आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। देखिए गीज़र है, वॉशरूम एमिनिटीज़ भी यहाँ पर रखी हुई हैं। तो यहाँ पर इस तरह के ये ग्लैम्स आपको 5 मिलते हैं और साथ में इनके रूम्स हैं, अभी सब ऑक्यूपाइड हैं, देखते हैं हम अगर आपको दिखा पाए तो। 4 रूम हैं इनके पास जो फैमिली रूम और स्वीट काइंड ऑफ हैं, तो उसमें आप 4 लोग रह सकते हैं, 5 लोग रह सकते हैं। इसमें भी आप आई एम श्योर ट्रिपल शेयरिंग पे आप रह सकते हैं। और देखिए मुझे यह कद्दू दिख गया, वाओ। आई एम श्योर इसको अगर बना के सब्जी खाई जाए ना, इसका टेस्ट ही अलग होगा। और मैंने तो देखा था ये पत्ते तोड़ रहे थे, तो मैंने पूछा, फिर उन्होंने बताया इसकी सब्जी बनाएंगे वो, कद्दू के पत्ते की सब्जी। तो हमने परमिशन ले ली है आपको रूम दिखाने की, हालांकि वो ऑक्यूपाइड है, थोड़ा मैसी हो सकते हैं, बट क्योंकि कुछ लोग रूम में ही रहना पसंद करते हैं तो इसलिए मैंने आपको, मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए। ये बाहर आपको सिटिंग एरिया यहाँ पर इस तरह से मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के ये 2 रूम आपको फैमिली रूम मिल जाते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा बेडिंग के साथ मैं देख रही हूँ, यहाँ पर 4 और ये 1, 5, तो एक और भी डल सकता है, 6 लोग आराम से रह सकते हैं। और आपको रूम्स में टीवी भी मिलता है क्योंकि कुछ लोगों को टीवी बहुत मैंडेटरी हो जाता है, तो उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ग्लैम्स में आपको टीवी नहीं मिलता है, रूम्स के बाहर ही क्योंकि सिटिंग एरिया प्रॉपर दिया हुआ है और यहाँ बैठकर आप पूरा ये नज़ारा देख सकते हैं। देखिए कितने सुंदर माउंटेन्स, आज बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहे हैं बट जो ग्रीनरी का व्यू है सामने, मौसमी दिख रही है हमें, ये भी एक अच्छा व्यू है। हमें अभी यहाँ बताया है कि यहाँ एक बड़ा ही अच्छा व्यू पॉइंट है टिप एंड टॉप, 5-6 किलोमीटर, लेकिन आज बहुत ही हेजी है, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी क्लियर हमें दिखने वाला है, तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा होगा नहीं, मॉर्निंग में देखेंगे। बट अभी हम यहाँ की जो लोकल मार्केट है वहाँ पर चलते हैं, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। दिस इज ब्यूटिफुल लेंसडाउन, लेंसडाउन भी अनछुआ इसीलिए है क्योंकि ये लेंसडाउन का कोर एरिया है, बेसिकली ये पूरा कैंट एरिया है और इसीलिए बेहद खूबसूरत है। ये हमारी पहली विजिट है हमारी न्यू किया सोनेट एक्स लाइन से, कमेंट करके बताइए हमारी कार कैसी लगी। कैंट एरिया को क्रॉस करते हुए बहुत सुंदर रास्ता था, हम लोग आ गए हैं मेन लेंसडाउन मार्केट एरिया में और यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं, इवन गर्मा गर्म मूंगफली दिख रही हैं मुझे। हम यहाँ पर इस मौसम में चाय का मज़ा ज़रूर लेंगे और पीछे यहाँ पर रामलीला का सेट मुझे दिख रहा है, बचपन की यादें ताज़ा हो गई, हम भी देखने जाया करते थे रामलीला, बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह के प्रोग्राम्स अभी भी हो रहे हैं यहाँ पर देख कर। बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं, ये आउटिंग के लिए आए हैं देखो, और दोनों फ़ोन में लगे हुए हैं, सेम गेम खेल रहे हैं ऑनलाइन। हाँ, और मैं इनको बोल रही हूँ बाहर बॉनफायर शुरू हो गया है, चलो चलते हैं, पर ये जा नहीं रहे, चलो बाहर चलो। रिजॉर्ट्स में ना ये बड़ी अच्छी फीलिंग होती है क्योंकि ज़्यादातर इवनिंग में यहाँ पर आपको बॉनफायर मिल जाता है। ये सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, कोई भी एंजॉय नहीं कर रहा है, पढ़ने वाले बच्चे हैं सब। तो चलिए अब चलते हैं डिनर टाइम डाइनिंग एरिया में, डाइनिंग कंप्लेन डाइनिंग एरिया के साथ ही हमें एक बहुत ही सुंदर सा कोजी सा ये बार मिलता है यहाँ पर, द लेंस डाउन बार। अभी जस्ट इस सीज़न में ये स्टार्ट हुआ ही है, तो विद इन 2-3 डेज पूरा आपको यहाँ पर और अच्छे से डिस्प्ले मिलने वाला है। पूरे लेंस डाउन में ये पहला बार है जो सबसे पहले ओपन हुआ था, हालांकि अभी तो काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स में ये लाइसेंस ले लिया गया है, पर यहाँ पर ये सबसे पहला था।
कहते हैं ना, खाने की प्रेजेंटेशन अगर अच्छी हो तो भूख भी बढ़ जाती है और खाना डिलीशियस भी लगता है। देखिए किस तरह से बहुत यूनिकली इन्होंने जैसे पत्ते का यूज़ किया है, और ये हमने पूछा है इनसे, वो कद्दू के पत्ते जो मैंने दिखाए थे ना आपको, ये वही कद्दू के पत्ते हैं, और अब इनके अंदर से निकलेगी डिलीशियस वेजिटेबल्स। ये है दाल, भिंडी दो प्याज़ा, एंड दिस इज़ पनीर लबाबदार। इवन सैलड में भी आप पत्तों का इस्तेमाल किस तरह से किया गया है वो आप देख सकते हैं। स्पेशलिटी यहाँ की यही है कि आपको यहाँ के हर मील में, यहाँ के जो ऑर्गेनिक गार्डन है इनका, वहाँ से कुछ ना कुछ आपको उसकी प्रिपरेशन में आपको मिलेगा। चटनी तो है ही अल्टीमेट, साथ में ये मिर्ची का अचार, ये मुझे याद आ गया, मैंने बहुत खाया है शादी से पहले, क्योंकि ये घर में होममेड ही अच्छा लगता है, और ये यहाँ पे भी हमें होममेड मिला है। ये बड़ी वाली जो रेड मिर्ची होती है उसका अचार है ये। तो बच्चों ने खाना शुरू कर दिया, टेस्ट बताओ भाई कैसा है खाना। अच्छा है। क्या सबसे ज़्यादा अच्छा है? भिंडी सर। भिंडी, हमारे घर में भिंडी बहुत कम लोग खाते हैं, मैं और टिया ही खाते हैं ज़्यादातर, लेकिन भिंडी देखने में इतनी डिलीशियस लग रही है, खाने में ज़रूर अच्छी होगी। और आखिरकार जिसका इंतज़ार था टिया को, वो टिया को मिल गया फ्यूजन ठंडा गरम। विदित भी ठंडा गरम खा रहा है ना, आइसक्रीम विद गुलाब जामुन, ये सबका फेवरेट है। लेकिन हाँ देखा, अपनी अपनी बाउल भी दिखाओ, अपनी बाउल भी दिखा लीजिए अचार नहीं और आज मैं ठंडा नहीं खाऊंगी क्योंकि गला थोड़ा ख़राब है, और वैसे भी मैं दिन में खा चुकी हूँ तो डबल नहीं। कैसा है? दोनों बच्चे सोनट को गुड नाइट बोलने आए हैं, तो मैंने कहा चलो एक इवनिंग वॉक भी कर लेते हैं, खाना खाने के बाद डाइजेशन हो जाएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं अभी अभी हमें यहाँ का आपको टैरिफ भी बताना है, और बहुत सारी चीज़ें जो रह गई हैं वो भी अपडेट करना है। कल सुबह मिलते हैं दोबारा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, खूबसूरत नीला आसमान और बीच में ये सफ़ेद धब्बे इतने सुंदर लग रहे हैं एक्चुअली। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हम सुबह सुबह अपनी बालकनी में आ गए हैं, चाय हमने पी ली है, और यहाँ से ना नज़ारा इतना सुंदर दिख रहा है, इतनी ठंडी हवा लग रही है और आवाज़ें आ रही हैं बर्ड्स की, तो ये जो पूरा इस समय जो माहौल है, आहा, मतलब इसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं। अब इतना अच्छा वेदर है तो एक छोटी सी वॉक तो बनती है, क्योंकि मुझे यहाँ से एक ट्रैक दिख रहा है ऊपर की तरफ, तो हम चलते हैं और ये पाइन ट्रीज़ के बीच में से होते हुए हम थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। पाइन फॉरेस्ट में वॉक करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि एक तो इनके बीच में प्रॉपर गैप होता है तो आपको रास्ता मिल जाता है, और देखने में तो इतने सुंदर लगते ही है, ये मन करता है बस चलते जाओ। किस तरह से अपने आप ये जो फूल खिले हुए हैं, अब आप इन्हें जंगली फूल कह सकते हैं, बट इतने सुंदर है ये कि फूलों के बीच में से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए इस प्रॉपर्टी की कुछ खास बात बताते हैं हम आपको। यहाँ पर आप सनराइज सनसेट बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और अभी बहुत खूबसूरत सनराइज होते हुए हम लोग देख रहे हैं, और साथ ही ब्यूटीफुल अभी हमने सुबह बहुत सारे यहाँ पर बर्ड्स देखी, तो आप यहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर बर्ड्स देख सकते हैं, उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। साथ ही इतना बड़ा ग्राउंड है, ग्रीनरी आप देख ही रहे हैं। टैरिफ हमने कल आपको नहीं बताया था, कभी कभी हम भी भूल जाते हैं, तो हम आपको टैरिफ बता देते हैं। यहाँ पर जिस तरह से हर जगह पर सीज़न ऑफ सीज़न होता है, लैंसडाउन में मैंने देखा है बहुत सारे रिजॉर्ट्स जैसे हमने कवर किए हैं, यहाँ पर वीकडेज़ का रेट बहुत कम होता है और वीकेंड्स का रेट हाई होता है, तो अब डिफरेंस जो होता है वो लगभग 50% का होता है। तो यहाँ पर जो इनका टैरिफ स्टार्टिंग रेट जो दिया हुआ है इन्होंने, वो 2,000 रुपीज़ दिया हुआ है फॉर टू पीपल इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, जो इनके पास एक रूम है, बेसिक रूम, स्टैंडर्ड रूम इसको बोलते हैं, साथ में जितने एक लैम्प्स हैं ये आपको 3,500 की रेंज से लेकर अप टू 5,000-6,000 तक भी मिलता है, डिपेंड करता है आप वीकडे में आते हैं या वीकेंड में। फैमिली रूम्स का टैरिफ भी अप्रॉक्स वीकेंड्स में 8,000 तक जाता है, लेकिन वीकडेज में आपको ये 4,000-5,000 का भी मिल जाएगा।
उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे देंगे आपको, तो वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इनको कर सकते हैं और आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको बेस्ट डील दिलाने में हेल्प करेंगे। साथ ही यहाँ पर इनकी प्रॉपर पार्किंग हमने आपको बता दी थी, साथ में इनके यहाँ पर पानी की, क्योंकि लेंसडाउन में जिस तरह से प्रॉब्लम है, यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक सबसे ज़रूरी बात कि ये पेट फ्रेंडली होम स्टे रिजॉर्ट आप जो भी कहें इसे, लेकिन आप अपने पेट्स को लेकर आ सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर इंजॉय करेंगे। बच्चे अभी तक सोए हुए हैं, तो इनको जल्दी से उठाते हैं, रेडी होते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं फटाफट से और चलते हैं वापस ऋषिकेश की तरफ। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, इतनी प्यारी प्यारी बर्ड्स हमें दिख रही हैं सुबह से। तो चलिए जल्दी से गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। खाने की तो मैंने तारीफ़ आपको कर ही दी है, यहाँ पर खाना बहुत अच्छा है और क्योंकि सारी चीज़ें हमें फ्रेश मिलती हैं इसलिए टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। फूड यहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों सर्व होते हैं, तो जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके लिए भी यहाँ पर जैसे ब्रेकफास्ट में एग्स मिल जाते हैं, मेन्यू काफ़ी बड़ा है इनका, तो वो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं अलग से। और बस अब हम नाश्ता करके जल्दी से ऋषिकेश की तरफ मूव करते हैं। मुझे लगता है ऑप्शन आपको अच्छा लगेगा ये जब आप यहाँ आएंगे, क्योंकि बहुत पीसफुल है। यूनिक इसलिए है क्योंकि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, मुझे तो बहुत पसंद आती है ऐसी जगह और लगता है आपको भी पसंद आएंगी। कमेंट करके बताइए कैसी लगी जगह और इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।